दलहनी फसलों की खेती करने के लिए हमारे किसानों को किन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सी मिट्टी में दलहनी फसल लगाना है और उसकी देखभाल कैसे करें, साथ ही कृषि कार्य किस प्रकार करें, जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं विशेषज्ञ की ओर। हम पहले देखेंगे कि रबी दलहनी फसलें झारखंड में लगने वाली कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं। ऐसे किसान भाई तो जानते हैं रबी मौसम में कौन सी दलहनी फसल लगाते हैं, जैसे कि मटर आता है, मसूर आता है और सबसे महत्वपूर्ण इसमें चना आता है। कुछ किसान झारखंड के कुछ क्षेत्रों में खेसारी भी लगाते हैं। तो ये मुख्यतः दलहनी फसल हैं जो कि रबी के मौसम में लगाए जाते हैं। और हम चाहेंगे किसान भाई जो भी दलहनी फसल लगाना चाहेंगे रबी के मौसम में, जहां पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो उस जगह को चुनाव कर लें। भूमि का चुनाव अभी बहुत आवश्यक है, तो किसान भाई अभी से भूमि का चुनाव कर लें। इन फसलों की खेती के पहले खेत की तैयारी तथा बीज के चयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इनकी खेती की तैयारी के लिए सर्वप्रथम तो देसी हल से खेतों की दो बार जुताई कर लेनी चाहिए, फिर पाटा चलाकर भूमि को समतल कर लेना चाहिए। इसके बाद क्यारियों में बुआई करनी चाहिए। इन फसलों की खेती के लिए कई तरह के बीज उपलब्ध हैं जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है तथा उनकी पैदावार भी अच्छी होती है, अतः ऐसे बीजों का चयन कर इनकी खेती करना बेहतर होता है। बीजों को बोने से पहले उनका राइजोबियम कल्चर से उपचार करना बेहतर होता है। इनकी खेती में यूरिया, पोटास तथा फास्फोरस का प्रयोग करते वक्त 20-40-20 का अनुपात बनाए रखना चाहिए, इससे फसलों की पैदावार अच्छी होती है। इनकी खेती में सिंचाई पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि बारिश नहीं हुई है तो ऐसी फसलों के लिए 3 पटवन की आवश्यकता होती है। इन फसलों में कीट लगने का भी खतरा बना रहता है, अतः पत्ती छेदक तथा फली छेदक जैसे कीटों के लगने पर अनुशंसित दवा का उचित मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। जब फसलें तैयार हो जाती हैं तो उसके भंडारण से पहले उसे इतना सुखाना चाहिए कि उसकी नमी 10-12% तक हो जाए। फिर दवा से उपचारित थैले में उसे भरकर ऊँचे स्थान पर रख देना चाहिए। इस तरह से वैज्ञानिकों की राय पर यदि रबी दलहनी फसलों की खेती की जाए तो किसान भाई इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।